देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम आपकी सीधी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मैडम चित्रा जी से, जो यहाँ पर अम्बाला से उम्मीदवार हैं कांग्रेस से। आइए हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और कैसे वो लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। दोस्तों अलग करने का प्रावधान बनाया गया था, पर इन्हें उठाने की व्यवस्था फेल क्यों हुई?
see any project of this scale, इसको एक fund allocation, एक intention की allocation और dedication बहुत जरूरी है. और ये सिर्फ बात करने से नहीं चलेगा, कॉन्शियसनेस में आ चुका है, अवेयरनेस में आ चुका है, तो ये बहुत छोटी बात से सॉल्व करता है. अम्बाला के कुछ हिस्सों में आज अभी ड्रेनेज सीवरेज का जैसे सिस्टम डल रहा है, लेकिन लोग आमतौर पर कह रहे हैं कि हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट इन प्लेस. एंड व्हाट्स द पॉइंट, ये जाएगा कहाँ सारा का सारा का गार्बेज हमारा है, उठाने वाले नहीं है गार्बेज को ट्रीटमेंट का, या उसको रिन्यूएबल एनर्जी में, या उसको रिसाइकिल करने का कोई हमारा प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ जाएगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिवाय सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारी, इनको ड्यू रिस्पेक्ट और इनको ड्यू रिम्यूनरेशन, जो उनको ड्यू तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से कर सके, इक्विपमेंट इनको मिलना चाहिए. ये बहुत बड़ा मजाक है स्वच्छ भारत के ऊपर कि सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए उनको लड़ाई कर रहे हैं, और इससे पता भी चलता है कि व्यवस्था चली क्यों है. जो भी हम करें, ग्लव पहन के, सफेद कपड़े पहन के, अगर हम मैदान में एक दिन करके प्रशिक्षित कर भी लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता, वो मात्र प्रोपेगेंडा है. आप इलेक्शन में आ रहे हैं, आप स्थानीय लोगों के बीच में, ये मुद्दे भी जो लोकल मुद्दे होते हैं प्रैक्टिकल, जिनको बात करते हैं, एक होता है और फॉर्मली बातचीत नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, और ये प्रैक्टिकल इशूज जो है आप मार्केट में देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग आने वाले विधायक से क्या कुछ उम्मीद करते हैं, लोगों के दिलों में क्या हुक है कि देखो आपको, अगर हम बात करें अगर पर्टिकुलर व्यक्ति भी चाहिए, तो हमने भी देखा है कि समाज में आपकी तरफ जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें वादा भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार लोगों का रुझान आपसे बढ़ रहा है, तो आने वाले जो भावी विधायक होंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके विधायक के रूप में क्या कुछ देखते हैं. देखिए, लोगों के अंदर जो अम्बाला में डिफरेंट सेक्शन हैं, उसको आज यहाँ पर मात्र अपने सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि हम एक साइंस सिटी थे, साइंस इंडस्ट्री बहुत नीचे चली गई, बेरोजगारी बहुत हद तक आ चुकी है, तो इस लेवल पे भी लोगों को कहीं ना कहीं ये है कि पॉलिसी में जो है कुछ इस तरह का बदलाव या इंट्रोडक्शन हो जो यहाँ पे किस तरह का रोजगार लेते हैं. यहाँ पे किसान वर्ग भी अम्बाला में, ये लोग अपना क्रॉप प्रीमियम भी दे रहे हैं, कट भी रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो किसान है वो स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो पानी को लेकर है, चाहे वो अपने सर्वाइवल को लेकर है, चाहे अकस्मत बरसात या ओलावृष्टि में उनके तबाह हुई पक्षियों का, वो भी चाहेंगे कि व्यू जो हमारी आवाज़ है और सपोर्ट हमको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर मिले. जो मैंने आपको बातें बताई, जो थोड़े से हमारे साधन संपन्न लोग जो अपनी सर्वाइवल के ऊपर कुछ ध्यान दे सकते, तो उनके लिए आज की तारीख में अम्बाला जैसे शहर में इतने सालों बाद रहने के बाद, अपने सारे टैक्सेस पे करने के बाद, ये कूड़े से जूझना, ये जो कहते हैं किसी से जूझना जूझना, और जो ये आवारा पशुओं से जूझना, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि गाय भी सोचेंगे उन सब चीज़ों का सवाल. तो देवल की एक्सपेक्टेशन जो भी नेक्स्ट विधायक होंगे, उनसे मल्टीपल लेवल पर लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी. सबसे पहले तो यही होगी कि सांझ हो, लोगों की सुनवाई हो, लोगों की उसमें बातचीत हो, शहर की डेवलपमेंट में, शहर की पॉलिसीज में लोगों की एक आवाज़ है. ये ना हो कि जिसके मन में है वो कर दिया, उसने वो थोप दिया सबके ऊपर. तो आई एम एक्सपेक्टिंग सबसे पहले तो जो भी नेक्स्ट विधायक आएंगे उनको एक बार एक स्टेप वापस लेके गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अम्बाला को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटम अप बिल्ड करने के लिए करना चाहिए. और स्टेट लेवल पर पार्टी जब आएगी तो उसकी पॉलिसीज में कुछ ऐसे प्रावधान हमारे मैनुफैक्चरिंग होंगे कि घर में रोजगार और दो रोजगार बैठक भी बनाएंगे. मैं उसको यदि आपकी बात स्टडी किया कि आप ग्राउंड लेवल पर वर्क करें, तो अगर हम बात करें कि इन स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अम्बाला की जनता अपना विधायक बनाते, आपको एक विधायक राजा के रूप में, तो अगर आपको अपना राजा चुनती है, आप अपना विधायक बनाते हैं, तो आप कैसे उनकी समस्याओं का या क्या कुछ एजेंडा और एक इमेज है आपके माइंड में कि आप उनको कैसे इन सब चीज़ों से क्या कुछ निजात दिलाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं. देखिए, मैं अगर सबसे पहली चीज़ कहूँ तो मैंने कहता है अम्बाला का कूड़ा उठाना. जैसे मैंने आउटलाइन करा कि अम्बाला को दो लेवल पे होगा, पॉलिसी लेवल पे कि अम्बाला में इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, और दूसरा लेवल पे वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉटम अप बिल्ड, उस लेवल पे मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहूँगी.
कि ड्रेनेज हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे ट्रैफिक हो, तो चाहे गार्बेज हो, इससे कुछ इतने जो है वेल थॉट आउट हमारे प्रोग्राम या प्लानिंग है कि आने वाले समय की रिक्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व करें, आने वाले समय में वो अप्रोप्रिएट भी रहे और शहर जो है हमारा एक खूबसूरत शहर बने। अम्बाला में जो भी मिलिट्री ऑफिसर सर्व करके गया वो अक्सर यहाँ आके रिटायर होकर सचिव नहीं होना चाहते। बहुत अम्बाला के लिए दुख की बात है कि अम्बाला जो नगर निगम बन गया था उसे फिर से निगम से बाहर निकाल कर एक परिषद बना दिया। जिन कॉलोनी में 20-25 साल से पैसा नहीं लगा, माना कि विधायक जी के कोष से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए होंगे, लेकिन जो घर घर के आगे गली गली पिछले 5 सालों में बनी थी वो इसलिए बनी थी अम्बाला एक निगम बन गया था। सेंटर से भी बजटिंग आती थी, एम्प्लॉयज हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, सफाई का, हर चीज़ में हमारी वृद्धि आ गई थी। ये अम्बाला के लिए इतना एक नेगेटिव स्टेप उठाया गया है जो अम्बाला को वापस से एक परिषद बना दिया गया। मैं तो बतौर अगर जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले आई वुड पुश फॉर इट कि अम्बाला एक बार फिर देश के टॉप 10% शहरों में बतौर निगम, और हमें वो फंड्स और वो सिस्टम्स और वो टारगेट्स जो हैं हमें मिल सके। एंड आई वुड लाइक टू बिगिन विद ABCD अप्रोच। एक चलान का एक प्रावधान बना दिया जाए एक नेशनल लेवल पे, वो इशू आज की डेट में उठ रहा है कि एक तो चलान की अमाउंट है, इतना तो व्हीकल की वैल्यू नहीं होती जो उसके ऊपर चलान थोप दिए जा रहे हैं आज की डेट में। तो एक ही जो नेशनल मुद्दा उठा है तो हर कोई जो अगर मीडियम लेवल का बंदा भी है या फिर लोअर लेवल का बंदा भी है तो वो हर कोई ये देख रहा है कि उसकी बाइक की या स्कूटी की एक वैल्यू होती है डेट इज ऑफ द 30,000। चलान विल बी एट लेवल ऑफ 60,000 एंड अबव दैट। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है देश को एक सुधार की जरूरत थी, जो डेली एक्सीडेंट हो रहे थे, रोज ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या ये सही रास्ता है उनको ट्रैफिक रूल फॉलो करवाने का? आपका इस पर क्या विचार है? देखिए मैं समझती हूँ कि ये कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं लोगों के साथ। कुछ लोग समझते हैं कि दंड एकमात्र तरीका है लोगों को किसी भी तरह से लाइन पे रखने का, और एक तरीका ये होता है कि कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव या इनोवेटिव प्रोग्राम सरकार लेके आए जिसमें लोगों को पार्टिसिपेशन और उनके लिए आसानी भी हो। तो जो ये इन्होंने कर दिया थे, हमने उस टाइम एक बात कही थी कि आमदनी अठन्नी और जुर्माना रुपया, आज की ये हालात है, हम हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है और कुछ पिछले कुछ सालों में हम और थोड़े से गरीब और मुश्किल हालात से आ गए। जब लोग किसी तरह से बिना किसी कागज़ के बाइक या सड़क से बाहर आ जाए तो कई बार होता है घर पे कागज़ रह गया है, कई बार आदमी सोचता है मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। हमें एक लोगों के लेवल से आके सोचना पड़ेगा कि हर कोई क्रिमिनल नहीं है, पीपल आर नॉट क्रिमिनल, और लॉ जो है उसका एक डर होना चाहिए पर वो प्रताड़ना का एक जो है तरीका नहीं बनाया जा सकता। पीपल शुड केयर द लॉ, पीपल शुड रिस्पेक्ट द लॉ, और कुछ लॉ को अगर इस रूप में पेश करेंगे कि लोगों के लिए उसको अपनाना और उसके अंदर पार्टिसिपेट करना आसान होगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जितने भी प्रावधान देखेंगे भाजपा ने जब भी किसी चीज़ का इलाज करना चाहा तो उन्होंने दंड का ही रक्षा रखा। जब हमें पता है कि जब बच्ची का सोशल मैसेज कम होता है तो 70-75-78% करने वाले घर के व्यक्ति हैं, तो उसमें मात्र एक सजाए मौत डाल देना शायद उसकी रिपोर्टिंग को बढ़ाएगा नहीं कम करेगा। ये एक सेंसिटिविटी है, हमें वो तरीका ढूंढना है कि बच्चा सुरक्षित हो, बच्चा सेफली अपनी आवाज़ उठा सके, समाज से ये कुंठा निकले और लोग हक की लड़ाई लड़ सके। जब हमने किसी भी और उसमें भाजपा का इंटरवेंशन देखा है तो एकमात्र तरीका रहा है बंद गया और वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, आपकी लाइसेंसिंग फैसिलिटी इज़ नॉट इन प्लेस। इन मेनी स्टेट्स जो लोग बच्चे ढो रहे हैं, दे आर ऑटो यूनियन जो बच्चों को लेके आते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन ही यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो हाउ विल यू चालान देम एंड हाउ विल यू कंट्रोल देम? आपने 1,000 रुपये का हेलमेट है, आप खड़े के हेलमेट ही दे दो ना वहाँ पर जिस जगह कर रहे हैं। दिन में 50 चालान करते हैं तो 50 हेलमेट सबसे बैठ जाएंगे वहाँ पर और समथिंग और दी अदर ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन इतना ज़्यादा लोगों को दंड नहीं मिलती, लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं समाज में अराजकता बढ़ती है। एक कांग्रेस पार्टी में भी हाल ही में देखने को आया कि बहुत सा विचलित हुई हुई है पार्टी, कई बार प्रोग्राम्स पे कई हमारे जो अधिकारीगण हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपस में मतभेद कांग्रेस पार्टी के बीच में चल रहा है,
तो आप एक उस मतभेद को भी मिटाने के लिए अपने लेवल पर कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेसी को माना है एंड डेमोक्रेसी हर मायने में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी होती है। जो कोई कहना चाहता है कह सकता है, जो कोई कुछ करना चाहता है कर सकता है, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की, और जहाँ मैं समझती हूँ कि जब इस तरह की डेमोक्रेसी होती है तो कम्पेटिटिवनेस आती है, कम्पेटिटिवनेस स्पर्धा जो है डेवलपमेंट का एक साइन है, नॉट नेसेसरीली कि रेजिमेंटलाइजेशन चाहिए होता है हर चीज़ के अंदर आपको करना है। जिस भी लेवल पे अगर आप चाहेंगे, पीपल आर अलाउड टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस द डिज़ायर फॉर एनीथिंग। लोगों ने काम किया है, अगर वो अपने काम पर किसी उसके रिटर्न चाहते हैं उनको पूरा हक देते हैं। आप ये नोट करिएगा, कांग्रेस जो है ना, पांच घोड़े अगर मैदान में दौड़ रहे हैं लोग, दौड़ तो पांच कांग्रेस के लिए रहे हैं, रथ तो कांग्रेस का ही खींच रहा है, और समाज के हर वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति को एक जगह मिल जाती है अपनी बात करने। तो वी डू नॉट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन। ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक हेल्दी डिसेंट होता है। कांग्रेस ने हमेशा इसको अब्जॉर्ब किया, आगे भी कर लिया, चुनाव आने तक अक्सर लोग सेटलक हो जाते हैं। दिन है हमारी सर्जरी का जन्मोत्सव है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये देखिए, तो क्या दिन बधाई देना चाहिए? देखिए जी, उसमें सबसे बड़े बधाई के पात्र तो तुम्हारी सर्जा जी खुद हैं। आई वुड विश हार्टियस्ट बर्थडे विशेज एंड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल द ईयर्स अहेड। और तुम्हारी सर्जा जी एक बहुत बड़ी नेता, देश में मैं कहूँगी महिला नेतृत्व के उच्चतम चेहरों में से एक, चाहे किसी भी पार्टी में, और दो बार लोकसभा के हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। महिलाओं को उनके साथ एक कंफर्ट फैक्टर और बात करने की वो है बहुत, एक उनका नर्चरिंग जो नेचर है, तो उनको इन सारी क्वालिटीज़ के साथ अब हरियाणा प्रदेश की जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। तो वी लुक फॉरवर्ड कि अब जो संगठन बनेगा, संगठन जो है बहुत एक वाइब्रेंट और समाज के हर इकाई को रिफ्लेक्ट करने वाला एक संगठन बनेगा, और आने वाले समय में हम संगठन जो है संगठन की सरकार, ये हमारी इनसे आशाएं भी हैं। एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।